अब वो पूरी नहीं करवा सकते तो आप हमें बोल दीजिए कि आप लोग लाचार हैं, छोड़िए अपनी पार्टी के पदों को और हम लोगों के साथ धरने पर बैठ जाइए। हम मान लेंगे कि आपकी नहीं चल रही, एलजी आपका नहीं सुन रहा और आप लोग हमारे साथ कम से कम खड़े तो हैं। अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं बता दीजिए, आप लाचार हैं और हमारे साथ आकर बैठ जाइए। देखिए हमारी चार डिमांड्स में है, पहला इमीडिएट जो इन्होंने कैलेंडर निकाला है कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी पेपर को कंडक्ट करेगी, उसको वापस लेना। दूसरा, इस कंपनी को यहां से बाहर निकालना। तीसरा, जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उनकी टेक्निकल जांच करवाना। और चौथा, एक सख्त पेपर लीक को लेकर कानून, क्योंकि कल भी उपराज्यपाल ने कहा कि हमने पहले बहुत कार्रवाइयां की, मात्र धोखा दिया गया कार्रवाइयों के नाम पर। 100 से 200 करोड़ का घोटाला था और 64 लाख रुपया रिकवर हुआ। तमाम वो अफसर, तमाम वो नेता जो स्कैम में थे, जिनके बकायदा नाम लिस्टेड हैं, जिनके घरों पर छापे पड़े हैं, वो सब आज बाहर घूम रहे हैं। ये किन कार्रवाइयों की बात करते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए हमने इनको बोला आप आइए बाहर, सबके सामने सबूत देंगे, मीडिया के सामने देंगे, बंद कमरे में सबूत नहीं देंगे। क्योंकि पिछले 9 महीने से हर दर दरबार पर जाकर हमने चेयरमैन को 3 मार्च को लिखा था कि एपटेक ने ब्लैक लिस्टेड के टाइम पे जो किया किया, करंट में जो इसने घोटाले किए वो सब दिया था हमने JKSSB को। हमारे पास रिसीविंग है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिसीविंग है 3 मार्च की। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। डिपकॉम साहब से मिले थे, उनको सब कुछ बताया। ADC लॉ एंड ऑर्डर से मिले थे, उनको सब कुछ बताया। सबसे मिले, कुछ नहीं हुआ। अब जो सबूत देंगे वो मीडिया के सामने देंगे, सबके सामने देंगे। देखिए वो LG हाउस में बात कर रहे हैं, क्या बात होती है उनकी, वो बाहर आकर हम सबसे बताएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि JKSSRB के जो एस्पिरेंट्स हैं वो उन्होंने साफ तौर पे अभी अंदर बंद कमरे में रविंदर रैना जी के साथ बात की है। जो अपने इनकी चार डिमांड्स हैं उसको उन सामने रखा गया है। और रविंदर रैना जो कि BJP के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनका ये कहना है कि वो उनकी बात जो है वो LG गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और देखते हैं कि अब आश्वासन क्या आगे जो इनको दिया गया है उस पर क्या सुनवाई की जाती है। अंदर इस समय जो रविंदर रैना जी है वो बैठे हुए हैं और लगातार इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये JPDCL के ऑफिस के ठीक बाहर की है, जहां पर जो अभी JKSSRB के एस्पिरेंट हैं उनका ये साफ तौर पे कहना था कि अंदर उनके साथ चार जो उन्होंने अपनी बातें रखी और अब रविंदर रैना जी से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रविंदर रैना जी, आपके एस्पिरेंट से बात हुई है? बड़ी खतरनाक पत्रकार है जी, एस्पिरेंट से बात हुई, क्या हुई बात आप बताइए। आओ ना बच्चे, इतनी खतरनाक बात है। घेरा गया है, उन्होंने बाहर कहाँ जा रहे हो यार? आप देख सकते हैं यहाँ पर BJP के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिनका काफी देर से इंतजार किया जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, अंदर बैठक भी हुई जिसमें जो JKSSRB के एस्पिरेंट हैं उन्होंने अपनी चार डिमांडों को आगे रखा। और अब जो है रविंदर रैना जी इन स्टूडेंट्स के बीच में है। और अब रविंदर रैना जी फिर अंदर जाते हुए क्लोज करो। तो जैसा कि देखा आपने JPDCL के ऑफिस में, जहां रविंदर रैना जी अपनी बिजली का बिल देने के लिए आए थे और यहां पर सत्याग्रह करने वाले JKSSRB के जो एस्पिरेंट है
लगातार यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश की, और लेकिन कुछ ही जो एस्पिरेंट है अंदर बैठे, अंदर रविंदर रैना जी के साथ बात हुई, अपनी चार बातें जो मुख्य उनकी बातें थे, जो मुख्य उनकी डिमांड थी, उनको सामने रखा। और रविंदर रैना जी का साफ तौर पर उनसे कहना था कि एलजी गवर्नमेंट के आगे इन चार बातों को रखा जाएगा। आने वाले वक्त में ये जो जेके एसएसआरबी के जो एस्पिरेंट है, उन्होंने जो अपनी चार मुख्य बातें रखी हैं, इस पर आगे क्या कितनी सुनवाई होगी, ये एक सवाल या चिन्ह है हम सबके लिए। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।